सो हेलो एवरीवन, टुडे संडे एंड घर से बाहर है, थोड़ा काम से निकले थे, गाड़ी धुलाने आज भी हम निकले हैं, लेकिन गाड़ी धो नहीं पाए क्योंकि कुछ वॉशिंग सेंटर्स बंद थे और कुछ में जगह नहीं थी। फिर हमें काम था, क्या हमें छोड़ना था पारस भैया को, यस, जिनका HAS का पेपर था उन्हें छोड़ने गए थे हम एक और पेपर के लिए, पता नहीं क्या का था, लेकिन उनको छोड़ के हम अब जा रहे हैं मोमोज खाने विद निशु भाई। तो जहाँ मोमोज खाने जा रहे हैं वहाँ का नाम है मोमोज चौक, तो चलो। तो अभी है हम HPU रोड में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, अच्छी जगह है, जंगल वाली, नाइस प्लेस। इसके बाद जाऊंगा मैं गाड़ी धुलवाने, फिर हमें पारस भाई को छोड़ना पड़ा था तो मुझे कार वॉश ड्रॉप करना पड़ा, इसके बाद जाएंगे गुगलू भाई को लेके अपने वन एंड ओनली। दो तीन चार पाँच छः, सामने मिर्च बढ़िया, 6 पीसीस 20 रुपीज़ के, नाइस, 6 चौमिन फॉर 30 रुपीज़, कैसी भाई जी? नाइस। जस्ट अभी मोमोज खाए और मैंने तो सिर्फ एक प्लेट खाई क्योंकि मैंने खाना खाया था, निशु भाई ने हमारे दो प्लेट मोमोज और एक हाफ चाउमीन खाई। हाउ वाज द मोमोज ब्रो? मोमोज भाई लोग बहुत अच्छे थे और चाउमीन कैसी थी? चाउमीन भी बहुत अच्छी थी और रेट काफी रीजनेबल है भाई, 20 रुपीस में 6 मोमोज भाई, ठीक है, और 30 रुपीस की हाफ प्लेट चाउमीन। आओ भाई खाओ, यहाँ पे आओ और खाओ। HPU के साथ है मोमोज चौक बोलते हैं स्पेशल, यहाँ का नाम भी मोमो चौक है। HPU से नीचे करोड़ आता है, बस वहीं पे अंकल का स्टॉल है, कहीं भी नहीं मिलेगा शायद 20 में 6 मोमोज हाफ प्लेट में, और फुल प्लेट 40 की 12 मोमोज, नाइस। So come and have momos at Momo Chowk. रोड जहाँ पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये इसको ठंडी सड़क बोलते हैं शिमला वाले, क्योंकि ये गर्मियों में भी यहाँ पे ठंडा ही होता है मतलब, पर पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे तो ठंडे होते हैं यहाँ से आप गर्मियों में, चाहे सर्दियों में तो इधर बहुत ठंडा होता है लेकिन गर्मियों में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है बाकी एरिया के हिसाब से, यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, सो दैट्स वाई दिस इज़ ठंडी सड़क। आगे यहाँ पे आता है एडवांस स्टडीज़, फिर उससे आगे आपका सिसिल ओबराय और फिर विधानसभा, दिस इज़ अ शॉर्टकट HPU के लिए। सो दिस इज़ द सिसिल ओबराय होटल, अ 5-star प्रॉपर्टी, रियली नाइस होटल, बहुत महंगा भाई, बहुत ज़्यादा। सो हियर वी हैव Guglu, we are back in our car. Me and Guglu. अब जा रहे हैं हम गाड़ी धुलाने, निशु भैया घर चले गए, उनको सिद्धत हो रही थी तो वो घर चले गए, अब मैं और Guglu है गाड़ी धुलवाएंगे फिर हम भी जाएंगे। कहाँ? घर और कहाँ? खाना बनाएगा तो, आज खिलाएगा तो। Yes, I will make राजमा today. इसे राजमा खाने में रात की। तो कम से कम 8-10 वॉशिंग सेंटर ढूंढने के बाद एक वॉशिंग सेंटर मिला है जो खाली था बड़ी मुश्किल से, और अब गाड़ी धुलने के लिए लगी हुई है और मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा शिद्दत भाई, फिर फट रहा है, गाड़ी तो धो दी है भाई लेकिन टोटली अनसेटिस्फाइड विद दिस कार वॉश, क्या मतलब, 350 रुपये मंगा रहा था भाई, 350 और बंदा जो गाड़ी धो रहा था बिल्कुल भांग भूंग भी थी, क्या था दिस कार वॉश, मतलब है कि धुल गया गाड़ी। तो अब चले, वी नीड चाय, सिद्धत हो रही है मुझे पता नहीं क्यों, आई नीड चाय। जाएंगे गाड़ी लगाएंगे फिर संजौली जाएंगे धूल, फिर घर जाएंगे, धूल का हम कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी गंदी हो जाएगी फिर से क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। धूल के बाद गाड़ी धुली हुई दिख रही है, नीट एंड क्लीन, लुक्स गुड, फेंडर दिख रहा है, देखता हूँ, जस्ट पार्क द कार, अब चले घर की ओर, लुकिंग फॉर द बस, लेकिन बस आई नहीं, कहीं दूर दूर तक बस दिख नहीं दी है, पैदल जाएंगे, लेट्स सी।